अभी हम पटना के आर ब्लॉक के पास है। बता दें कि पीछे का जो नज़ारा देख रहे होंगे, आंगनबाड़ी कर्मचारी वाले लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए बीच चौराहा को इन लोग बंद कर दिए हैं। बता दें कि इन लोग आज बिहार विधानसभा सत्र का दूसरे दिन है, लेकिन उससे पहले हंगामे देखने को मिल रहा है। सदन की कार्रवाई चल रही है, आप लोग हंगामा कर रहे हैं। नहीं मानेंगे हम लोग, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हम लोग हड़ताल पर रहेंगे तो रहेंगे, जब तक हम लोग का मानदेय पूरा नहीं करेगा। हम लोग का 25,000 सेवका का मान है और सहायिका के 18,000। जब लोग का हम लोग का मानदेय पूरा नहीं होगा तब लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार को गद्दी से उतार देंगे। सुबह सुबह आप लोग पहुँच गए आर ब्लॉक के पास? नहीं, ब्लॉक में नहीं हूँ माना है। हम लोग आए हैं पटना में, आगे पर जाएंगे हम लोग दिल्ली जाम करेंगे। दिल्ली में हम लोग धरना देंगे, वहाँ जाम करेंगे। हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है। हम लोग के लिए का दीपावली नहीं है, सरकार के लिए आँख नहीं है, वो अंधा सरकार है। क्या आँख नहीं है सरकार के लिए? हम लोग भूखे हैं। हम लोग का सुबह सुबह का नज़ारा है, देख सकते हैं। सुबह का 10 बजने पर है, लेकिन यहाँ पे हजारों के तादाद में जो आंगनबाड़ी कर्मचारी लोग हैं वो बिहार के तमाम जिलों से आए हुए हैं। क्या आप लोगों के मांग है? सुबह सुबह आप लोग ब्लॉक कर दिए रहे हैं, ब्लॉक पर घेरेंगे नहीं सरकार हमारी। देखिए इस मतलब कि मतलब कमर तोड़ महंगाई है। इस महंगाई में हमको 5,950 रुपया दिया जाता है। 50 रुपया देता है सरकार, 1450। उसको शर्म नहीं आता है, हम लोग को कहने में शर्म लगता है। 5,950 नहीं देता है, 4,500 रुपया हमारे केंद्र सरकार का है। बिहार सरकार 1450 रुपया देता है, इससे हम लोग को क्या होगा? और सरकार के दिन प्रतिदिन काम बढ़ते जा रहा है, 4 घंटा काम करवाते हैं लेकिन हमको 24 घंटा काम लिया जाता है। और उसके दरमियान हमको मतलब 5,950 रुपया दिया जाता है। क्या इस महंगाई में हम लाले लाले भोइल बा पटनावा कनावा खोलाए नीतीश जी, लाले लाले भोइल बा पटनावा कनावा खोलाए नीतीश जी, देशवा प बैठल बईमानवा कनावा खोलाए नीतीश जी, लाले लाले भोइल बा पटनावा कनावा खोलाए नीतीश जी, सरकारी दर्जा के कोरोना एलनवा जहनवा बाड़ाए नीतीश जी, सरकारी दर्जा के कोरोना एलनवा जहनवा बाड़ाए मोदी जी, लाले लाले भोइल बा पटनावा कनावा खोलाए नीतीश जी। आप लोग सुबह सुबह बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, आप लोग सुबह सुबह यहाँ पहुँच गए हैं। हम लोग का मांग है, हम लोग भूखे मर रहे हैं, हम लोग का बच्चा तड़प रहा है और सरकार कान में रुआ लगा के सोया है। हम लोग अपना मांग के लिए आए हैं। रात में नींद नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग सुबह सुबह आके हम लोग का 1 महीना 10 दिन हो गया हड़ताल पर बैठे हुए, लेकिन नहीं रेंग रहा है। हम लोग इसलिए भूखे प्यासे आज सड़क पर उतरे हैं। प्रदर्शन करने की जगह नहीं है ना यहाँ पे, आप लोग बैठ गए? नहीं है, तब पर भी हम लोग करेंगे प्रदर्शन। हमारी इस मांग को कोई सरकार नहीं सुन रही है। हम लोग इतना 2 महीना से उसको जिता दिया, अब उसको आप कुर्सी पर बैठ गया, हम लोग का कोई वैल्यू नहीं पड़ता है। नहीं पता ये 2,500 से क्या होगा, गद्दी से उतारना है। जिस प्रकार हम लोग गद्दी पर बैठाने का काम किए हैं, उसी प्रकार हम लोग गद्दी से उतारने का काम भी जानते हैं। इस बार उनको हम गद्दी से उतार देंगे। अगर मेरी मांग पूरा नहीं करेंगे तो हम उनको गद्दी से एक बार उतार देंगे। डिमांड सरकार नहीं पूरा करेगा। सरकार तो आप लोग को 1450 देती है, वो अपना ले ले, अपना काम वापस ले, हम लोग उसका काम नहीं करेंगे। हम लोग ऐसे सब है, नहीं चाहिए 1450, नहीं चाहिए, अपना काम वापस ले, अपना पैसा वापस ले। हम लोग ऐसा सरकार कला सेवक है, उनका कितना मानदेय बढ़ा दिया गया और हम सेविका को इतना पढ़ी लिखी होकर के रोड पे दर दर के ठोकर खा रहे हैं, लेकिन मेरी मांगे सरकार एक बार नहीं सुनती है। इसके लिए हम अपने हड़ताल पर जारी रहेंगे। पैसा नहीं दे रहा है, शोषण कर रहा है, कि चैन मुक्ति का धमकी दे रहा है, लेटर निकाल रहा है कि चैन मुक्ति कर देंगे, पोषाहार बाधित हो रहा है, जो पोषाहार के लिए मर रहा है।
देख सकते हैं तस्वीर जो है ये आर ब्लॉक का तस्वीर है, पूरी तरीके से यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है। इसी से जो रास्ता है इसी रास्ता से विधानसभा की ओर रास्ता जाता है, और ऐसे में लेकर जो आंगनबाड़ी सेविका लोग हैं और आंगनबाड़ी कर्मचारी लोग सुबह सुबह ही राजधानी पटना के ब्लॉक कर दिए हैं, और तमाम जो ये मेन कोच इलाका है आर ब्लॉक कोच इलाका। लेकिन जो पीछे का जो नज़ारा देख रहे होंगे, जहाँ तक आपको नज़र जा रहा होगा कैमरा का, वहाँ पर देख रहे होंगे लोग गाड़ी से कतार में खड़ी हैं, और उसके साथ ही साथ जो तस्वीर है तस्वीर में देख रहे होंगे कि लोग कर्मचारी जो आंगनबाड़ी कर्मचारी लोग हैं वो लोग एक बैनर तले बिहार के तमाम जिलों से आए हुए हैं, और अपनी मांगने को लेकर जो 1450 बिहार सरकार देती है उनको इन लोग का कहना है कि बढ़ाकर हम लोगों का 25,000 की जाए, क्योंकि हम लोग दिन रात काम करते हैं लेकिन सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है। कैमरा पर्सन राहुल का सपना डेस्टिनेशन वेडिंग, श्वेता को चाहिए रजवाड़ा थीम विद ग्रैंड स्टेज, पापा की टेंशन केटरर्स और फ्लोरल डेकोरेशन, और माँ चाहे बेटी का सुंदर सा मंडप। शादी की इन्हीं छोटी और बड़ी खुशियों को पूरा करने के लिए वाइल्ड वादी को चुने अपना वेडिंग वेन्यू, जहाँ अब बजेंगी शादी की शहनाइयाँ। रजवाड़ा थीम, ग्रैंड स्टेज, मंडप, बैंक्वेट हॉल, रूम, इलेक्ट्रिकल एंड जनरेटर फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, हल्दी टॉप, रथ, वेंडर्स फॉर केटरिंग एंड फ्लोरल डेकोरेशन, डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे कॉन्सेप्ट के साथ। विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।